की ग्वालियर में डेंगू का असर बरकरार है। ग्वालियर में सोमवार को डेंगू के 3 नए मरीज मिले। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 26। जिला अस्पताल में 22 सैंपल की जांच हुई। 12 साल के बच्चे सहित 3 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। ग्वालियर में डेंगू लगातार अपने पैर पसार रहा है और 3 नए मरीज मिले। जिले में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 26। अस्पताल में 22 सैंपल की जांच हुई। 12 साल के बच्चे सहित 3 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। तो बारिश के बाद लगातार डेंगू अपने पैर पसार रहा है और डेंगू के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ। क्या कुछ हालात है डेंगू को लेकर वो जानेंगे। ग्वालियर में सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुशील कौशिक जुड़ गए हैं ग्वालियर से। सुशील, डेंगू के मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं जो कि अब डरा रहा है। क्या कुछ है हालात डेंगू को लेकर और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, नगर निगम की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की बात करें तो पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त डेंगू का असर लगातार बढ़ रहा है। उसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो बारिश है, बीते एक सप्ताह से अच्छी बारिश नहीं हुई, जिसके चलते तापमान बढ़ा है लगातार और उसकी वजह से डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी सबसे अहम वजह यह भी है कि जो जल भराव वाले इलाके हैं उनमें डेंगू का लार्वा तेज़ी से पनप रहा है, मच्छरों की तादाद बढ़ रही है। इसके अलावा मौसम, ये दो वजह ऐसी है जिसकी वजह से ग्वालियर चंबल अंचल में एक बार फिर डेंगू का असर जो है शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि इस बार डेंगू के आंकड़े जो है रिकॉर्ड तोड़ आएंगे, जिस तरह से हालात अभी बन रहे हैं। 24 घंटे की बात करें तो सिर्फ जिला अस्पताल में ही जो करीब 25 से ज़्यादा मरीजों के सैंपल लिए गए थे उनमें 3 डेंगू के मरीज निकले हैं, एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। अभी तक 26 से ज़्यादा कुल मरीजों की तादाद पहुंच चुकी है ग्वालियर ज़िले में इसी महीने की बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो स्वास्थ्य विभाग के साथ ही आम लोगों के लिए भी चिंताजनक है। यही वजह कि अब स्वास्थ्य विभाग डेंगू के टेस्ट बढ़ा रहा है, साथ ही जो लोग हैं उनको भी बुखार आने पर या ठंड लगने पर या अन्य परेशानियां होने पर डेंगू की जांच कराने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही नगर निगम भी अब इस डेंगू के बढ़ते आंकड़े को देखकर जो जल भराव वाले इलाके हैं वहां पर फोगिंग कराने के साथ ही जल जमाव के हालात जो है उनसे निपटने के लिए भी तैयारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो डेंगू का आंकड़ा है वो धीरे धीरे जो बढ़ रहा है अब तेज़ी से बढ़ेगा, इस तरह का स्वास्थ्य विभाग का भी अनुमान है, क्योंकि मौसम और जल भराव ये दो सबसे बड़ी वजह है डेंगू बढ़ने की। तो निश्चित तौर पर अब लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए कि ऐसे हालात अगर बनते हैं तो तत्काल टेस्ट कराएं और डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। इंदौर से खबर है जहां शासकीय डेंटल कॉलेज के 5 डॉक्टर्स को नोटिस दिया गया। समय पर ड्यूटी पर ना पहुंचने पर कार्रवाई हुई है, कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने डेंटल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया था, अस्पताल के वार्डों में व्यवस्थाएं देखी थी। सभी डॉक्टर्स को निर्धारित समय मतलब सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक अनिवार्य रूप से अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। इंदौर में डॉक्टर्स को ड्यूटी पर समय से नहीं पहुंचना भारी पड़ गया। सरकारी डेंटल कॉलेज के 5 डॉक्टर्स को नोटिस दिया गया। अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख कर देंगे। सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, लापरवाही बढ़ती है तो जवाब तो देना ही होगा अब। बिल्कुल सही बात है, जो यहाँ के संभाग के कमिश्नर है माल सिंह, वो लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में जिस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं उसको लेकर वो एक्शन भी ले रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने MTH अस्पताल का दौरा किया था अपनी ज्वाइनिंग के बाद, वहाँ पर 8 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया था और उसके बाद उन्होंने प्रदेश के सबसे बड़े MYH अस्पताल का दौरा किया था और वहाँ पर भी कई तरह की गड़बड़ियाँ मिली थी और डॉक्टरों को वहाँ पर भी नोटिस जारी किए गए थे और फटकार भी उन्होंने लगाई थी। साथ ही जो MYH की कैंटीन है उस पर 10,000 का उन्होंने जुर्माना लगाया है, क्योंकि वहाँ पर गंदगी थी, जो फ्रिज था उसमें जो तरबूज कटा हुआ रखा था और उसमें गंदगी थी फ्रिज में, इसके अलावा जो नमकीन के पैकेट्स थे उन पर डेट नहीं लिखी थी, साथ ही
जो वहाँ पर कैंटीन है उसमें घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा था, इसलिए 10,000 रुपये का उन्होंने MIH की कैंटीन पर भी जुर्माना लगाया। उसके बाद वो डेंटल कॉलेज पहुँचे, वो शासकीय डेंटल कॉलेज में जो डॉक्टर अनुपस्थित थे उनमें 5 डॉक्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी थी वो सुबह 8 बजे से 3 बजे तक की ड्यूटी थी, लेकिन वो निर्धारित समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे, वो अनुपस्थित पाए गए थे, इसलिए ये नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए गए हैं कि जो उनका निर्धारित समय है ड्यूटी का सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक, उसमें वो उपस्थित रहें। साथ ही उन्होंने अस्पताल के जो वार्ड हैं उनका भी दौरा किया और जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर भी उन्होंने व्यवस्थाएं देखी और उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो पूरी तरह से जो माल सिंह है कमिश्नर, वो एक्शन मूड में है, खासतौर से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, और यही वजह है कि वो लगातार अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि इंदौर स्वच्छता में तो नंबर वन है ही है ही, साथ ही स्वास्थ्य में भी नंबर बनाने की कोशिश की जा रही है, और यही वजह है कि सबसे पहले सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएँ दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है, और यही वजह है कि संभागायुक्त लगातार औचक निरीक्षण कर अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं, और जिस तरह की वहाँ पर व्यवस्थाएं वो देख रहे हैं उनमें सुधार की जो भी संभावनाएं हैं उन पर वो चर्चा कर रहे हैं, और सरकार से भी जो व्यवस्थाएं सुधारने को लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं कि अगर कहीं बजट की कमी है तो बजट दिया जाए, और अगर डॉक्टरों की कमी है तो डॉक्टर भी का स्टाफ भी वहाँ पर मुहैया कराया जाए। साथ ही जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए, जिससे कि अस्पतालों में किस तरह की कोई समस्या न रहे और दूर दराज से जो लोग आते हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। मुरैना में पैसों के लेन देन में मारपीट का मामला सामने आया है। मामला थाना नूराबाद के अरदौनी का है, जहां सुघर सिंह जाटव परिवार ने लाखन सिंह और साहिब सिंह से कुछ रुपये उधार लिए थे। रुपये वापस न लौटाने पर आरोपियों ने सुघर सिंह और उसके बेटे के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिसका वीडियो सामने आया है। पीड़ित सुघर सिंह की शिकायत पर लाखन सिंह और साहिब सिंह सहित एक अन्य के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये थाना नूराबाद के एक गांव है अरदौनी का बुरा, वहां पर ये घटना हुई है, और इसमें SC/ST एक्ट के साथ अन्य IPC की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। अजब MP में गजब गजब के मामले सामने आते रहते हैं। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से भी एक अजब गजब मामला सामने आया है। यहां एक महिला के डकार लेने पर पड़ोसियों में विवाद हो गया। दरअसल एक महिला घर में जोर जोर से डकार लिया करती थी। पड़ोसी ने इस पर आपत्ति जाहिर की और डकार लेने वाली महिला के घर समझाने के लिए पहुंचे तो विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हो गई। मारपीट के दौरान चाकूबाजी भी हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर FIR दर्ज कर ली है। मामला MIG थाना क्षेत्र के संजय नगर का। वहीं ग्वालियर में सुरेश राजे के वायरल वीडियो को लेकर BJP नेता इमरती देवी का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में सुरेश राजे के वायरल वीडियो के संबंध में बातचीत करने का दावा किया जा रहा है। ऑडियो में सुरेश राजे को ब्लैकमेल करने को कहा जा रहा है। पिछले हफ्ते कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का